हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका प्राइस अराउंड 40 रुपीज़ के आसपास है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर लॉस है तो एग्ज़िट भी कर सकते हो। तो आज हम दोस्तों एक बहुत ही दमदार स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो बिल्कुल आपको आधे दामों पर मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, मतलब कि 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। और कंपनी बहुत ज़ोरदार है, डिविडेंड देती है, बहुत अच्छी डिविडेंड देती है, आपको बोनस देती है, बोनस भी देती है दोस्तों, उसके साथ स्टॉक में स्प्लिट भी हुआ है। तो ये सारा खूबी जो होना चाहिए, एक कंडीशन होता है स्टॉक में, वो सारा कंडीशन इसमें कूट कूट के भरा हुआ। अभी देख लीजिए दोस्तों, ये जो है 5 ईयर का कैंडल चार्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखिए इसने जो हाइएस्ट मारा था यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये जो हाइएस्ट मारा था अराउंड 100 के आसपास मार दिया था, 90 मान लेते हैं, ठीक है, अराउंड 95 के आसपास है, ठीक है। लेकिन एक मिनट यहाँ पर टच करने के बाद देख लेते हैं दोस्तों, ये देखिए 94 रुपीज, ठीक है, 94 रुपीज यहाँ पर, ठीक है, 94 यहाँ तक गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, 94 के हिसाब से अभी लोएस्ट पे मिल रहा है ये स्टॉक, हमें बहुत ज़्यादा लोएस्ट पे मिल रहा है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, जो हाइएस्ट प्राइस जो यहाँ पर बताया जाएगा 94 बताया जाएगा, देख लीजिए, और थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है, 98 तक गया था, ठीक है। उसके बाद अभी हमें कितना में मिल रहा है दोस्तों, अभी जो ये करेंट भाई, ये यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो करेंट वैल्यू है 40 के आसपास, लोएस्ट कितना बनाया था तो 30 के आसपास इसने जो है लोएस्ट बनाया था, और यहाँ पर देख लीजिए अभी 46 के आसपास है। और यहाँ पर देख लीजिए जो ये स्टॉक बहुत ज़्यादा हाइएस्ट गया था तो वो था दोस्तों 90। तो मतलब ये जो है आपको बिल्कुल आधे दामों पर मिल रहा है। और कंपनी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो बुक वैल्यू होता है, डिविडेंड होता है, पीई रेशियो होता है, वो दोस्तों बिल्कुल अट्रैक्टिव है, मतलब कि ये जो कंडीशन है बहुत अच्छी है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, डिविडेंड कितना है 50, चलो ये भी अच्छा है, बुक वैल्यू कितना है 30, 31 है, ठीक है, ये भी अच्छा है दोस्तों, पीई रेशियो देखिए 18 है, ये भी अट्रैक्टिव है। और एक छोटा सा दोस्तों इसमें जो है गलती है वो क्या है कि इसके पास थोड़ा सा कर्ज है, लेकिन बहुत नहीं है, थोड़ा सा कर्ज है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना कर्ज है दोस्तों इस कंपनी के पास, यहाँ पर देख सकते हो अराउंड देखिए 23 के आसपास इसके पास कर्ज है, लेकिन इसके पास 324 यहाँ पर टोटल असेट है। तो कंपनी को अगर कल को कुछ होता है, यहाँ पर देख सकते हो टोटल असेट और टोटल डेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों देखिए कंपनी के पास कर्ज कितना है अराउंड, मान लीजिए 23 के आसपास, टोटल असेट कितना है 324 के आसपास। तो अगर इसमें से अगर इसका 24 चला भी जाएगा तो 100 के अराउंड बचेगा। तो कंपनी के पास तो एक बहुत अच्छा बैलेंस शीट है दोस्तों, और इसके पास ग्रोथ भर भर के कूट कूट के भरा है। अगर मान लीजिए कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज होता तो कंपनी नहीं चल पाती। अब बात कर लेते हैं कंपनी के कंडीशंस के बारे में, डिविडेंड के बारे में, बोनस के बारे में, स्प्लिट के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिविडेंड। अब आ जाते हैं डिविडेंड पे, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, डिविडेंड पहले दिया था 125, फिर 70 दिया था, फिर 100 दिया था, फिर 60 दिया, फिर 50 दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत अभी जो है वीक है, लेकिन दोस्तों 2019 मतलब ये कंपनी जो है डिविडेंड पर डिविडेंड दी जा रही है, ये कभी जो है रुका नहीं, ठीक है। उसके बाद बोनस चेक कर लेते हैं, बोनस तो बोनस में भी यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 1 टाइम बोनस दिया है, लेकिन 1:1 दिया है दोस्तों, इससे अच्छा बोनस आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि इससे जो ये हाई लेवल का बोनस है, मतलब दोस्तों इससे अच्छा और बोनस नहीं होता, 1:1 आपको बहुत अच्छा बोनस मिल गया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक देखते हैं स्प्लिट हुआ कि नहीं दोस्तों, अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो बहुत अच्छा। तो देखिए ये भी आपको बताया जाए, ये भी थोड़ा मोड़ा जो है ये भी अच्छा है, इसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है। और देखने वाली बात तो यह है कि प्रमोटर्स के पास यहाँ पर देख सकते हैं जोरदार हिस्सेदारी है, यहाँ पर देख लीजिए अराउंड 74.81, मान लीजिए दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 75% प्रमोटर्स खुद के पास रखे हैं, किसी को भी नहीं दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों किसके पास और कितना बचा हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए प्लेज कितना है 0, मतलब कंपनी के पास अगर प्लेज होल्डिंग हो तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनी, इससे आगे पीछे हो ही नहीं सकता, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास कितना है, ओनली 4 है, और पब्लिक के पास, अदर्स के पास कितना है दोस्तों, पब्लिक के पास 20 है, ठीक है। अगर कंपनी में कोई दिक्कत होता, सपोज मान लेते हैं अगर कंपनी में कोई दिक्कत होता तो दोस्तों ये जो प्रमोटर है अपने पास कम से कम होल्डिंग रहती, कम से कम अराउंड 30, 20 या 40 के आसपास, लेकिन इन्होंने दोस्तों 75 रखा है, मतलब कुछ तो बहुत अच्छा कंडीशन होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं अदर्स में कितना छोड़ा गया, 25% ही छोड़ा गया, जिनको लेना है ले सकते हो। और वो स्टॉक का नाम है दोस्तों मुंजाल ऑटो,
देख सकते हैं आपके सामने नाम है दोस्तों, आज के डेट में भी यहाँ पर देख सकते हैं 7% का जो है अपर सर्किट लगाया गया है, 7% का अपर सर्किट है। और यहाँ पर हाईएस्ट कितना गया है वो भी हम चेक करेंगे दोस्तों, तो हाईएस्ट देखिए 52 के आसपास है। तो क्या हमें ऐसे कंपनी को छोड़ना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए था। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सपोज मान लीजिए अगर आपको पता रहता कि जब ये स्टॉक का प्राइस अराउंड 40 रुपीज था और ये स्टॉक का जो प्राइस इंक्रीज होने वाला है, तो क्या आप छोड़ देते? नहीं छोड़ते आप दोस्तों, बहुत हेवी क्वांटिटी में जो है बाय करते, जिससे आने वाले दिनों में आपको अच्छा से अच्छा प्रॉफिट होता। और जैसे कि मैंने बोला कि दोस्तों हमारे YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है, हाँ दोस्तों आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, तभी तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये वीडियो आज मॉर्निंग में ही मैंने अपलोड किया है, अभी जो टाइम हो रहा है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 6:44, मतलब कि 7 o'clock होने वाला है, 7 o'clock होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जस्ट देखिए 9 hours ago 33 minutes, मतलब कि दोस्तों 9 या 10 hours ago मैंने ये जो है वीडियो अपलोड किया था। तो आप टाइम को कैलकुलेशन कर सकते हो, मार्केट ओपन होने से पहले 9 बजे से पहले मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया था, मतलब पहले बताया था, ये तो पहली बात है दोस्तों। उसके बाद सेम यहां पर देख लीजिए मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, ये यहां पर भी मैंने बताया था दोस्तों कि इस वीडियो में बताया था कि देखिए 2 दिन पहले 2 दिन पहले 2 दिन 10 घंटे पहले मैंने बताया था मुंजाल ऑटो बेस्ट प्राइस टू बाय, मतलब कि दोस्तों मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि आपको खरीदना है। सपोज अगर आपको पहले पता चल जाएगा तो आप कितना स्टॉक खरीदेगा आपको भी मतलब अंदाजा नहीं, आप सारा पैसा उसी में डाल दीजिएगा। और आपके सामने देखिए मैं वीडियो प्ले कर, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको हेलो डेट, दोस्तों, आज हम एक बहुत सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को डेट दिखा दूं यहां पर वीडियो में, ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए। तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों 5 फरवरी को मैंने ये वीडियो जो है अपलोड किया था, 5 फरवरी को, और आपके सामने ही मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं। तो ये रहा आपके सामने वीडियो, हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत छोटे से स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो भी ऑटो सेक्टर का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने नजर आ चुका होगा मंजुला ऑटो है दोस्तों। ये स्टॉक का जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 44 रुपीज के आसपास है, और दोस्तों ये स्टॉक का जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल बेहिचक आप खरीद सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर आपको एक फ्लो में और स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताया गया, मतलब कि सीधे सीधे कि ये जो स्टॉक है दोस्तों, ये मुंजाल ऑटो है, इसका जो स्टॉक का प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है, अगर आपको खरीदना है तो आप बेहिचक खरीदिए यहाँ पर देख लीजिए। और एक बार नहीं, मैंने इस वीडियो में 3 से 4 बार बोला कि आपको खरीद लीजिए खरीद लीजिए। तो चलिए इसके बारे में हम कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का मैं कुछ जो है पॉजिटिव चीज बता देता हूँ आपके सामने। ये देख लीजिए स्टॉक है दोस्तों, और 2 या 3% यहाँ देख सकते हैं 2.23% की डिविडेंड भी देती है। तो ऐसे कंपनी को हमें अपने हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप खरीदना चाहते हो तो बेहिचक खरीदे दोस्तों ऐसी कंपनी को। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए पीई रेशियो जो है 12.40 वैल्यू पर मिल रहा है दोस्तों। पीबी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 1.50 है, चलिए ये भी अट्रैक्टिव है। तो ऐसे स्टॉक को हम अपने अपने रेडार पे रखना चाहिए। तो अगर आप खरीदना चाहते तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी भी बोला कि अगर हो आप तो खरीद, बेहिचक खरीदे, यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने कई बार बोला दोस्तों आपको खरीदना है तो बेहिचक खरीदे, खरीदना है तो बेहिचक खरीदे। उस टाइम करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा था यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 44 रुपीज़ चल रहा था। तो ये था फर्स्ट वीडियो जब मैंने बोला था आप लोगों को बाय करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए अभी जो है जस्ट मैंने ये वीडियो अपलोड किया था सुबह में, आपको टाइम भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया, सेम थंबनेल मैंने डाला है इसलिए ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो है रिकॉग्नाइज हो जाए, आप लोग याददाश्त वापस आ जाए कि हाँ ये दोनों सेम ही है। और उसके बाद देख सकते हैं 9 hours पहले, अगर आप चाहते हो तो ये वीडियो भी मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा सकता हूँ प्रूफ के तौर पे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेट देखते हैं, तो डेट यहाँ पर देख सकते हैं आज का देख सकते हैं 7 फरवरी है, 7 फरवरी है, और वो वीडियो कितना था दोस्तों 5 फरवरी को। हेलो दोस्तों, तो एक बार मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मुंजाल ऑटो के बारे में, और ये मैं दूसरी बार बना रहा हूँ सुबह में। ठीक है, तो ये स्टॉक में पहले भी तेजी आ चुकी है, अराउंड 39 के आसपास मैंने बोला था, आज मैं 46 के आसपास भी बोल रहा हूँ कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए पहला बार जब प्राइस इंक्रीज हुआ तो मैंने बोला ठीक है, दूसरी बार भी जब भी प्राइस इंक्रीज हो रहा तो भी मैं बोल रहा हूँ, तो बार बार मैंने आपको हर जगह पे बोला कि भाई खरीद लो खरीद लो, क्योंकि हमारे YouTube चैनल में आपको एक दिन पहले बता दिया जाता है। अब आपको हमारे वीडियोस को देखने के लिए क्या करना है, सपोज मान लीजिए कुछ लोगों को बिलीव नहीं है, वो अपने आप से देखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर अपने YouTube में जाना है, ये जो सर्च बार है यहाँ पर सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। देखिए मैं डेली सर्च मारता हूँ इसलिए मेरा ऑलरेडी आ चुका है, जैसे आप परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट सर्च मारिएगा ये आइकॉन आपके पास आ जाएगा।
जैसे ही इसके अंदर आप जाइएगा, ये सारा वीडियोस, ये वीडियोस में आपको जाना है और सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो यहाँ देखिए 9 आवर्स पहले मैंने ये जो है ये वीडियो डाला था मुंजा लोटो के, और थोड़ा सा अगर आप नीचे चले जाइएगा थोड़ा सा नीचे, तो उसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए मैंने ये वीडियो अपलोड मारा था। और उसी तरह आप मेरे जो है सारे वीडियोज़ को यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर ट्रेड करके देख सकते हो, सारे वीडियोज़ को आप मेरे पेपर ट्रेड करके देख सकते हो। इससे क्या हुआ कि आप लोगों को पता चल जाएगा क्या गलत है क्या सही है, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है करके। ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ लेकिन आपके रास्ते पे मैं नहीं चल सकता, तो मैंने आपको रास्ता दिखा दिया। अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे एक हफ्ते का कमाई देख लीजिएगा तो भी आपको जो है फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, पेड सर्विस लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप का परमानेंट नंबर है, उसके बाद ये जो नंबर है यहाँ पर देख सकते हैं ये कांटेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आने वाला वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगा। और एक चीज़, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूछते हैं कि मुझे डेमो चाहिए, सैंपल चाहिए, ट्रायल चाहिए, जो भी आपको चाहिए नंबर नोट करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि दोस्तों हमारा जो डेमो है, ट्रायल है, सैंपल है, वो यूट्यूब में ही दे दिया जाता है। उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं तो आप हमारे यहां आ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।